स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन सम नंबर 27b. द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक इन अ बुक ऑफ 200 पेजेस इज 0.01. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट क्वेश्चन देयर इज नो मिस्टेक एंड सेकंड इज देयर आर एट मोस्ट टू प्रिंटिंग मिस्टेक इन द पेज. तो फर्स्ट वन, हाउ टू स्टार्ट, व्हाट इज आवर फर्स्ट स्टेप. द फर्स्ट वन, यू शुड आइडेंटिफाई व्हाट इज सक्सेस. आपको पहले बताना है कि सक्सेस क्या है. तो यहाँ पे नंबर ऑफ सक्सेस किसे लेंगे, तो एक्स हम बोलेंगे नंबर ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक. तो नंबर ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक उसे हम क्या बोलेंगे, एक्स बोलेंगे. तो पहले हम फाइंड करेंगे मीन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. द मीन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होता है एम, और उसकी फाइंड करने की फॉर्मूला है एन इंटू पी. एन क्या है, नंबर ऑफ, यहाँ पे होगा नंबर ऑफ पेजेस. तो यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस 200 दिया है, तो एन इज इक्वल टू 200 लिखेंगे इंटू पी. पी क्या है, प्रोबेबिलिटी दी होगी. द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक आपको दिया है 0.01, जो पी इज इक्वल टू 0.01. तो मल्टीप्लाई करो 200 इंटू 0.01, आंसर इज 2. द मीन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज 2. ओके, देन फर्स्ट क्वेश्चन, देर इज नो मिस्टेक, मतलब कि एक भी मिस्टेक नहीं है. तो यहाँ पे x हमने क्या लिया है, नंबर ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक. तो प्रिंटिंग मिस्टेक कितनी है, कोई भी नहीं है. तो x बराबर क्या लोगे, कोई नहीं, मतलब कि 0. तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड करेंगे कि देर इज नो मिस्टेक इन द पेज. उसकी प्रॉबिलिटी फाइंड करेंगे, तो x बराबर हम लेंगे 0, हमारा m इज इक्वल टू 2 आया है. तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला हम लिखेंगे, तो p ऑफ x इज इक्वल टू e रेस टू माइनस m इंटू m रेस टू x अपॉन x फैक्टोरियल, वेयर हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0. तो e रेस टू माइनस m, e रेस टू माइनस एम इज, एम आपको दिया है 2, इंटू एम आपको दिया है 2, और उसकी पावर में लिखेंगे एक्स. एक्स कितना है, 0 है, तो 0 पुट करो, और डिनोमिनेटर में आपका आएगा एक्स फैक्टोरियल, मतलब कि 0 फैक्टोरियल. अभी एक्स इक्वल टू 0 की प्रॉपर्टी हमें मिलेगी ई रेस टू माइनस 2. इसकी वैल्यू हमें दी हुई, देखो ई रेस टू माइनस 2 ये वैल्यू हमें दी हुई है. तो ये पुट करेंगे 0.135 इंटू 2 की पावर 0. तो कोई भी वैल्यू दी होगी उसकी पावर 0 होगी, तो उसका आंसर ऑलवेज 1 आएगा. डिनोमिनेटर में 0 फैक्टोरियल 1, तो यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी मिलेगी 0.135. ये किसकी प्रोबेबिलिटी मिली, There is a no mistake in the page. Okay? अब second number है probability of there are at most 2 printing mistake in the page. तो dear student, यहाँ पे आपको बोला है कि at the most 2 print mistake हो. Printing mistake कितना हो, at the most 2, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 2, दो से ज़्यादा नहीं. उसकी प्रॉब्लम हमें फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2, मतलब कि x की वैल्यू 2 भी हो सकती है और 2 से कम भी हो सकती है. तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 भी हो सकती है, 2 से कम. तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेस देन इक्वल टू. देखो जिसकी वैल्यू कम होगी, यहाँ पे x की वैल्यू 2 से कम है, तो यहाँ पे चौंच है और x की बाजू लिखनी है. ठीक है, मतलब कि x इक्वल टू आप लिखोगे 0 प्लस
x इक्वल टू 1 की प्रॉपर्टी निकालो, x इक्वल टू 2 की प्रॉपर्टी निकालो, अब 3 की प्रॉपर्टी निकालनी है? नहीं, आपको बता है कि एट द मोस्ट 2, मतलब कि 2 से ज़्यादा नहीं। चलो अभी यहाँ पे ई रेस टू माइनस 2 की हमें वैल्यू दे दी है, ठीक है, 0.135 और m इक्वल टू 2 हमने फाइंड आउट किया था, और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ये होता है। तो इस फॉर्मूला में हम पहले x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, उसके बाद 1 पुट करेंगे, और x इक्वल टू 2 पुट करेंगे, और उसकी प्रॉबर्टी निकाल के इसका टोटल करना है, तो हमें इसकी प्रॉबर्टी मिल जाएगा एट द मोस्ट 2 प्रिंटिंग मिस्टेक इन द पेज, ठीक है। तो अब अलग अलग इंडिविजुअल भी कर सकते हो, एक साथ में भी कर सकते हो, तो एक साथ में कैसे करते हैं देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला में m इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, तो e रेस टू माइनस 2 इंटू m इज इक्वल टू 2, उसकी पावर आएगी x इक्वल टू पुट करना है 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, अभी प्लस e रेस टू माइनस 2 इंटू यहाँ पे m इज इक्वल टू 2 है और x इक्वल टू लेना है 1, तो इसकी पावर 1, तो 1 फैक्टोरियल, प्लस e रेस टू माइनस 2 इंटू 2 की पावर ले गए अब x इक्वल टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, पहले देखो यहाँ पे कॉमन निकल सकता है, देखो यहाँ पे e रेस टू माइनस 2 कॉमन, यहाँ पे e माइनस 2 और यहाँ पे e रेस टू माइनस 2, ये तीनों में कॉमन है, तो हम कॉमन निकाल लेंगे e रेस टू माइनस 2। अभी यहाँ पे क्या बचा, ये तो कॉमन निकल गया है, तो 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 0 ऑलवेज कितनी होगी, आगे बताया कि 1 होगी, तो 0 फैक्टोरियल उसकी वैल्यू भी 1 होगी। उसके बाद यहाँ पे देखो प्लस लिखा है, तो प्लस लिखा मैंने, e रेस टू माइनस 2 ये तो हमने कॉमन निकाल लिया है, तो यहाँ पे क्या बचा अभी कि 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 कितना होगा, 2 होगा, 1 फैक्टोरियल उसकी वैल्यू भी 1 आएगी, प्लस ये तो हमने कॉमन निकाल लिया है, देखो यहाँ पे निकाल लिया है, तो e रेस टू माइनस 2 कॉमन निकल गया, बचा क्या आपको 2 की पावर 2, तो कितना हुआ 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल, मतलब कि 2 इंटू 1 लिखेंगे, ब्रैकेट ओवर 2 2 चला गया, तो इसका आप टोटल करो 2 प्लस 2 और 1 कितना हुआ, फाइव, ठीक है। अभी देखो e रेस टू माइनस 2 की वैल्यू हमें दी हुई है 0.135 इंटू 5 करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.675। तो ये हमें क्या मिला कि द प्रॉबिटी ऑफ देर आर एट द मोस्ट 2 प्रिंटिंग मिस्टेक इन द पेज, ये उसकी प्रॉबिटी मिली। थैंक यू, मिलेंगे।